आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, हमें वोट दोगे आपके बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा, गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना, लेकिन वोट देने के पहले एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, उनकी शक्ल देख लेना। मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई कांग्रेस या बीजेपी आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी, 75 साल में नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी, और 75 साल दे दो इनको वोट, 5 साल हमको दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, आपके बच्चों को नौकरी दिला देंगे। पिछले थोड़े से महीने हुए हैं मान साहब को पंजाब में 35,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दे दी, 37,000, और 3,00,000 बच्चों को प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं। 8 साल में दिल्ली में मैंने 12,00,000 बच्चों को नौकरियों का इंतजाम किया है, आपके बच्चों को नौकरी का इंतजाम करके देंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, अमीर हो चाहे गरीब हो, मोहल्ला क्लिनिक, शानदार सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशनड अस्पताल खोल दिए सरकारी अस्पताल। आज सवेरे मैं छत्तीसगढ़ में था कहीं पे, उन्होंने बताया अगर कोई बीमार हो जाए, गांव के अंदर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए भी सरकारी अस्पताल के अंदर कोई सुविधा नहीं। आपके अगर घर के अंदर आपके परिवार के एक एक सदस्य का फ्री में शानदार इलाज कराने की जिम्मेदारी मैं लेके जा रहा हूं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, हमें वोट दोगे आपके बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा, गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना, लेकिन वोट देने के पहले एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, उनकी शक्ल देख लेना। मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई कांग्रेस या बीजेपी आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी, 75 साल में नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी, और 75 साल दे दो इनको वोट, 5 साल हमको दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, आपके बच्चों को नौकरी दिला देंगे। पिछले थोड़े से महीने हुए हैं मान साहब को पंजाब में 35,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दे दी, 37,000, और 3,00,000 बच्चों को प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं। 8 साल में दिल्ली में मैंने 12,00,000 बच्चों को नौकरियों का इंतजाम किया है, आपके बच्चों को नौकरी का इंतजाम करके देंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, अमीर हो चाहे गरीब हो, मोहल्ला क्लिनिक, शानदार सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशनड अस्पताल खोल दिए सरकारी अस्पताल। आज सवेरे मैं छत्तीसगढ़ में था कहीं पे, उन्होंने बताया अगर कोई बीमार हो जाए, गांव के अंदर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए भी सरकारी अस्पताल के अंदर कोई सुविधा नहीं। आपके अगर घर के अंदर आपके परिवार के एक एक सदस्य का फ्री में शानदार इलाज कराने की जिम्मेदारी मैं लेके जा रहा हूं।